बेटा था? हमारा बेटा था। क्या क्या घटना हो गई थी? ट्रक वाले ने टक्कर मार के पीछे पीछे से से। चौकी ले आए हैं, डेड हाँ, बॉडी चौकी लाए हैं। चौकी किस लाए, लिए चौकी, क्या लाए? चौकी अब उठा लिया है। उठाने के बाद फिर वहाँ धूमनगंज थाना भेज दिया। रात में गाड़ी रात चली गई, पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम हो गया है। आ होकर आ गई। आपके बेटे का क्या नाम, दिलीप कुमार, क्या करता है? कंपाउडी का था। बच्चे भी हैं? दो बच्चे हैं। पत्नी का क्या नाम? पुष्पांजलि। कैसे जानकारी मिली आपको भी घटना? हमारा लड़का एक या DRS में कंपाउडी का था, नाइट ड्यूटी में मुश्किल से 10 मिनट पहले आ चुका था। हमारे सामने एक हमारे गांव के एक यादव जो है डेयरी खोले हैं, उसने आके देख करके तो फिर लड़के को सूचना दिया कि हम लोग रात को। घटना की जानकारी उनके गांव का एक यादव है, वो डेयरी डेयरी काम करता है, उसने चिंता था, उसी पे ठड़ा था लड़का, अब बाइक में आके उस पर चढ़ा दिया और पहिए के नीचे आ गया। और उसके बाद फिर उसने ट्रक थी उसमें केला लदा हुआ, 16 चक्का, 16 आंध्र प्रदेश की है। नो एंट्री में घुसी थी, 9:30 नहीं 9 के करीब था, 9 बजे के बाद का है साहब, तभी ये घटना हुई। तो हम लोगों को सूचना इसने यादव ने, हाँ इतनी बड़ी घटना हुई। रामानंद प्रजापति, कल ड्राइवर ड्रग्स वगैरह पिया था, यहाँ चौकी में आए हैं, कंप्लेन किए हैं, कहे ड्राइवर को हम हाजिर करेंगे, अभी तक ड्राइवर हाजिर नहीं हुआ। जी गाड़ी पकड़ी गई है, अपने भाई की डेड बॉडी लेके आप यहाँ आए हुए हैं? जी हाँ, अपने भाई की डेड बॉडी लेके आए हैं, बोल रहे हैं कि केस को कोर्ट से ये होगा। पुलिस वाले कह रहे हैं गाड़ी की, अभी ड्राइवर को कहाँ से बुलवा देंगे। घटना कितने बजे हुई थी, कहाँ हुई थी? ये धर्मवीर मूर्ति के पास कल शाम को 8:30-9 के बीच में। नो एंट्री का टाइम था, सबसे बड़ी वजह यही था। घटना के बारे में भी कुछ वहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कैसे हुई है? इसके बाद यादव बता रहा है, हमारे सामने खड़ा था जी, अपना नाम सुशील। प्रयागराज कमिश्नरेट के धूमनगंज थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी का दोपहर में कुछ लोगों ने शव रखकर घेराव किया। पीड़ित लोगों का यह आरोप था कि उनके लड़के की शनिवार को देर शाम करीब 9:45 नो एंट्री जोन में, जहां बड़े वाहन प्रतिबंधित होते हैं, उस ट्रांसपोर्ट नगर GT रोड पर ट्रक जैसे भारी मालवाहक से कुचलकर मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर चौकी डेड बॉडी को उठाकर आनन फानन मर्चरी भेज दी, लेकिन मर्चरी से जब परिजनों को सूचना हुई तो पोस्टमार्टम होने के बाद रविवार को वो डेड बॉडी लेकर पुलिस कार्रवाई त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन परिजनों का यह आरोप था कि यह दुर्घटना पुलिस की लापरवाही से, ट्रैफिक विभाग की लापरवाही से हुई, क्योंकि यह दुर्घटना की वजह बनी नो एंट्री जोन में भारी मालवाहक ट्रक के प्रवेश करने से, और बाइक करते हुए जैसे लोगों ने बताया, उनके परिजनों ने बताया कि यह दुर्घटना हुई थी। उनका यह कहना था कि इस तरह की लापरवाही से कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी मांग कार्रवाई होनी चाहिए, और उनका यह भी कहना था कि मौके से ट्रक और चालक दोनों पकड़ा गया, लेकिन चालक को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया गया। यह परिजनों का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने उनको समझा बुझा कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कहने पर यहाँ से विदा किया, लेकिन यह बड़ी बात थी कि एक व्यक्ति, एक पिता और छोटे बच्चे, उसकी पत्नी बिलख रहे थे, और उनका यह कहना था कि एक बड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से उसके परिवार का इकलौता कमाने धन आने वाला वारिस खत्म हो गया। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह।